अर्जुमान, जब लोग तुझे और मुझे यानी कि एक सीआईडी ऑफिसर और जज को इस तरह इकट्ठे देखते होंगे, सोचते होंगे पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। देख प्रभात, जज होने से पहले से मैं तुम्हें जानता हूँ और रिटायर होने के बाद भी हमारी दोस्ती कायम रहेगी। ये तो है, लेकिन ये मत सोचना कि जब मेरी केस तुम्हारे कोर्ट में आ जाएगी तो मैं तुमसे दोस्ती खातिर कोई फेवर मांगूंगा। कानून वैसे भी किसी का फेवर नहीं करता है, मैं तो कानून के हिसाब से चलूंगा। तो फिर टेंशन किस बात की, देखने दो खिचड़ी पकते हुए लोगों को। सॉरी यार, सॉरी। सर कहाँ है वो? वहां पे। अरे नरेश, यहाँ कैसे? सर बहुत देर से आपको फोन लगा रहा था। सर फोन सुबह मेरे पास नहीं होता, गाड़ी में। सर एक जरूरी बात करनी है सर। हाँ बोलो। अरे इन्हें इतने सालों से जानते हो तुम, बोलो क्या बात है? सर अकेले में बात करेंगे सर। एक्सक्यूज मी यार, बोलो क्या बात है? ऐसा नहीं हो सकता, चलो मेरे साथ। अरे जज साहब, एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू कैरी ऑन, मैं कल सुबह मिलता हूँ। चलो सर। क्या हुआ वरुण को? अरे कोई बताता क्यों नहीं? क्या हुआ वरुण को? इस तरह रोते रहोगे या मुझे को बताओगे? नरेश ने जो बताया क्या वो सच है? पापा वरुण से, वरुण का सुबह से कुछ आता पता नहीं है। तुम इतने सारे लोग घर में बैठे थे और वरुण इस तरह गायब हो गया है? पता नहीं था। वरुण बाबा को जोश है ना, उनके कमरे में गए तो आपने कमरे में पहने। तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो रात को क्यों गायब हो गया? पता नहीं साहब, हमने पूरा घर जान मारा, कहीं पता ही नहीं चला। आभा साहब, बाहर सिक्योरिटी वाला बेहोश था और कमरे के कुंडी टूटे पड़े थे साहब। कुछ नहीं होगा हमारे वरुण को बेटे, मैं लेके आऊंगा वरुण को, कुछ नहीं होगा हमारे वरुण को। एक मिनट, मैं लूंगा फोन। हेलो जज साहब, बड़ा दुख हो रहा होगा ना पोते की किडनैपिंग की खबर सुन के। मेरा पोता कहाँ है? ठीक ठाक है हमारे पास। मैं जरा भी डर नहीं लगा एक जज के घर पे हाथ मारने का। एक बात याद रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। डर तो लगा मगर क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। अगर अपने पोते की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। मैंने कहा जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें। राका को छोड़ दो। क्या? राका को छोड़? भाई तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है और वैसे भी तुम्हारे कोर्ट में कल उसकी सुनवाई भी तो है। है तो बस लिख दो कि सारे गुनाह माफ हो गए और अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। सोच लो, तुम्हारी मर्जी, राका या वरुण। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ?
सब लोग चुप क्यों खड़े हैं? चचा, आपकी बहू भी रो रही है, क्या बात? क्या है, क्या बात है? वो क्या है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है? नहीं चचा, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बाहर लोग कह रहे हैं कि आपके घर के अंदर कुछ हुआ है और आपका वॉचमैन वो भी बेहोश पड़ा था, क्या बात? सर, दो तो काम है सर, दो का चार करना और मिर्च मसाला लगा देना सर। अच्छा अच्छा, दो का चार करना, मिर्च मसाला लगाना। फोन बज रहा। ओ हाँ, हेलो जज साहब, अगर एसीबी को कुछ बताया ना तो समझो वरुण मर गया, और ये मत भूलना कि तुम्हारे घर पर मेरी नजर है। क्या बात है जज साहब, किसका फोन था? वो पता नहीं किसका फोन था, समझ ही नहीं आया, नाम भी नहीं समझ नहीं आया, मेरे ख्याल से रॉन्ग नंबर था। नहीं जज साहब, ये रॉन्ग नंबर नहीं था। क्या बात है बताइए मुझे, क्या बात है? अरे यार, तुम सीआईडी में काम करते हो ना तो आदत पड़ गई है सब पे शक करने की, अब तो तुम अपने दोस्त पे भी शक कर रहे हो। अगर कुछ होता तो मैं बता देता ना। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं जज साहब। उसे पता है कि एसीपी यहां आया है सर, लेकिन उसे कैसे मालूम कि एसीपी यहां पर है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने ये भी कहा है कि इस घर में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ उसे पता है। लगता है चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हो सकता है। अब क्या करेंगे पापा? पता नहीं, लेकिन उसकी डिमांड बहुत बड़ी है। वो चाहता है कि खतरनाक आतंकवादी इलाका को छोड़ दूं। तो फिर छोड़ दो ना पापा, कम से कम हमारा वरुण तो वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता सूरज, मैं अगर उस खतरनाक आतंकवादी डाको को छोड़ दूंगा तो ना जाने कितने मासूम वरुण की जान ले लेगा वो। नहीं नहीं पापा, पापा कुछ भी करके मेरे वरुण को ले आई ना पापा। इमोशनल मत बनो बहू, मैं उस खतरनाक आतंकवादी को नहीं छोड़ सकता। और एक बात याद रखो, मैं भी वरुण से बहुत प्यार करता हूं। सूरज सूरज, तुम ही कुछ करो ना, समझाओ पापा को। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, एक जज के घर में घुस के कोई उसके पोते को किडनैप करके ले गया, जहां जाने के लिए सिक्योरिटी पार करनी पड़ती है, ऐसा हो कैसे सकता है? वही तो ने अभिजीत, बड़े प्लानिंग के साथ की गई है ये किडनैपिंग, बहुत दिनों से नजर रखी होगी उन किडनैपर्स ने फैमिली मेंबर्स पर। सर इस राका से ही पूछते हैं, वही बताएगा किसने किडनैप किया वरुण को। नहीं विवेक, अगर राका ने किडनैपिंग कराई है तो पूछना खतरनाक हो सकता है, वरुण की जान को खतरा हो जाएगा। हमें बिना किसी को बताए इस केस की तह में जाना पड़ेगा। अभिजीत, राका के चमचों को उठा, उठा उसके चमचों को, उन्हीं से करवाई गई है ये किडनैपिंग। हाँ सर, कोई तो है जो राका से मिलने जेल में आता जाता था, अभी देख लेते हैं इस राका के इतिहास। अगर पोते के मुंह में जज साहब ने राका को छोड़ दिया, बड़ा बवाल मच जाएगा सर। ये सर, राका के साथ चार और लोग गिरफ्तार हुए थे, और उनमें से ये शंभू, ये तो ये 2 महीने पहले छूट गया है। शंभू, अरे राका का खास आदमी है सर, ढूंढो इस शंभू को, और साथ साथ अभिजीत इस राका पर भी नजर रखो जेल में, पता लगाओ कौन कौन मिलने आते हैं उसे, किस किस के साथ बात करता है। अरे ओ राका,
अरे तेरे लिए कबूतर आया है, कबूतर। अबे ओ मोटे, तूने क्या किया है बे जो ये? ऐसी ही गलती पहले एक लंगूर ने की थी। हमेशा के लिए मुंह बंद हो गया था उसका। एक को मारू या दो को, सजा उतनी ही मिलेगी। अगर फिर से मोटा बोला तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा तुम्हारा, समझे? ए, तो बात ही खतरनाक कह दी है, दूर ही रहना इससे, समझे? चल। मैंने कुछ नहीं किया। देख शंभू, सच बता, वरुण को कहां पे छुपा के रखा तूने? वरुण? कौन वरुण? जज साहब का पोता वरुण। मैं किसी वरुण को नहीं जानता साहब। राका को जेल से छुड़वाने के लिए तूने किडनैप किया ना वरुण को? ये झूठ है साहब, ये एकदम झूठ है। मैं बोला राका को जेल से क्यों छुड़वाऊंगा साहब, उसी ने मुझे जेल भिजवाया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, भूखों मर रहे हैं। मैं खुद जब से जेल से आया हूँ काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता साहब। ये रोना बंद कर, काम करेगा? हाँ सब। हाँ। रिकॉर्ड ले, कल सुबह इस पते पे पहुंच जाना, मेरा नाम बोल देना, काम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चल भाई चाय ले तू भी, चल संभाल के तू भी ला बेटा, चल 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 संभाल के, भी संभाल के ले भाई चाय पी तू भी। चाय गर्म है ना, ठंडी चाय मुझे पसंद नहीं है। तेरे बाप ने हीटर लगवा रखा है ना यहाँ पे, जैसी है पी ले चुपचाप। बाप पे मत जा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, समझे? एक पीनी है तो पी ले, नहीं तो जाने दे। चलेगा चलेगा, मैं मजा। हाँ पकड़ पकड़, डरा ना ध्यान से। ले भाई, अरे तू तो चाय पीता नहीं, ले भाई राका तू भी चाय पी ले। चाय गरम, और किसी को चाय? ले भाई ले चाय पियो, चलो 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 जल्दी जल्दी पियो चाय। चाबी? ये किसकी चाबी है? सर, वार्डन ने एक चाबी दी है राका को। तोड़ो बेटा तोड़ो, खूब जेल की रोटियां तोड़ो। अपुन तो सोमवार से बाहर का खाना खाएगा, किसी अच्छे 5-स्टार होटल में। क्या राका, तू पागल हो गया है रे? तेरे जैसे बड़े अपराधी को ऐसे कैसे छोड़ देगा रे? अरे भाइयों सुनो सुनो, अरे अपना राका बाहर जाएगा, होटल में खाना खाएगा। राका के सामने लोगों का मौत निकल जाता है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से देख, तू मुझे बाहर दिखाई मत देना वरना तेरा खून करके मैं फिर से यहां आऊंगा। चला जाओ अपने अपने सेल में। अब दुनिया की कोई ताकत राका को इस जेल में नहीं रोक सकती। राका कल इस जेल से बाहर होगा। बाहर जेलर साहब, देखिए ना साहब, ये गुंडे लोग पता नहीं कहां से जेल में घुस आए और इनकी हिम्मत तो देखिए, मेरे गिरेबान पकड़कर मुझे घसीटते हुए यहां पर ला रहे हैं। ये लोग सीआईडी से हैं और इन्हें अंदर मैंने ही भेजा था। सीआईडी जेल में कुछ गड़बड़ है क्या साहब? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। हम तो यहां सिर्फ चाय पीने आए थे। चाय पीने यहां जेल में? साहब बाहर तरह तरह की चाय मिलती है तो? हाँ मिलती है, मगर वो चाबी वाली चाय नहीं मिलती है ना। ये कौन सी चाय है साहब? ये चाय पत्ती वाली चाय तो बहुत पुरानी हो गई है, अब वो मजा नहीं रहा। हमने तो सुना है कि तुमने कोई नई तरह की चाय बनानी शुरू कर दी है, चाबी वाली चाय। देखिए ना साहब, ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? जोर से कदम दबाऊंगा ना, पेट के अंदर जितना गुना छुपा है सब बाहर आ जाएगा, समझा? बोल, राका के चाय में कौन सी चाबी डाल के दी थी तुमने? सब मैंने किसी को कुछ नहीं दिया सब। देख सीधी तरह से लाइन पे आ जा, सब जानते हैं हम लोग कोई चाबी दी थी तुमने राका को। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जिसने आपको बताया ना वो झूठ बोल रहा है। अच्छा जिला साहब, आप जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगे? ओह श्योर भैया, व्हाई नॉट। कौन झूठ बोल रहा? जिसने आपको बताया। अच्छा कुछ याद है? मैंने चाबी दी थी राका को। किस ताले की चाबी है वो? मुझे नहीं मालूम साहब, एक आदमी आया और बोला राका को दे देना, उसने मुझे पैसे भी दिए थे। तुम जानते हो उसे? नहीं साहब, सामने आएगा तो पहचान लूंगा। सर अगर राका को भागना ही होता तो वो वरुण को किडनैप नहीं करता, ये कुछ और ही चक्कर है। मगर वो है कौन जिसने चाबी दी उस वार्डन को? अगर ये स्केच बनवाया उस वार्डन ने, ये है वो आदमी जिसने उसे चाबी और पैसे दिए थे राका तक पहुंचाने के लिए। अच्छा चेक करो हमारे रिकॉर्ड्स में, देखो इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या। सर कोई बिना बात के राका को तो चाबी देगा नहीं, ऐसा लगता है इस चाबी का और अपहरण का कोई ना कोई संबंध जरूर है। और फिर ये राका चाबी लेकर चुपचाप क्यों बैठा? ये आदमी नहीं है हमारे रिकॉर्ड्स में। हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है तो फिर ये है कौन? लगता है सर ये कोई नया आदमी है राका के गैंग में। शंभू देखो इस आदमी को अच्छी तरह से देखो और बताओ क्या ये आदमी राका की गैंग का है? ये आदमी राका की गैंग का नहीं है, ये तो कोई और ही है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इसे। ये आदमी अगर राका के गैंग का नहीं है तो फिर सर इसने वो चाबी राका को दी क्यों, और वो चाबी है किस ताले की? है एक आइडिया है जो इस पहले को सुलझा सकता है। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहां से, जाओ यहां से। सर पूछो, एक तो तुम बीमार हो, ऊपर से तुमने कुछ भी नहीं कहा, खाली पेट दवाई कैसे लोगी? प्लीज थोड़ा सा जूस पी लो प्लीज। सूरज मेरी दवाई, मेरा बेटा वरुण है, उसे उसे ले आइए, मैं ठीक हो जाऊंगी।
पापा, आज तक आपने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने जो मांगा आपने दिया, दुनिया की हर खुशी थी। प्लीज पापा, इस बार और मेरा वरुण मुझे वापस ला दो पापा, प्लीज। जिस बेटे के लिए तुम तड़प रहे हो ना सूरज, वो मेरा भी खून है। वरुण का मुझे भी दुख है बेटे, लेकिन मैं कानून के सामने मजबूर हूं। मैं कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। खिलवाड़? कैसा खिलवाड़ पापा? आप तो कानून खुद बनाते हैं। नहीं बेटे, मैं कानून बनाता नहीं, कानून का पालन करता हूं। और अगर मैंने ही कानून तोड़ दिया तो दुनिया को कैसी सूरत दिखाऊंगा? पापा, आप एक कैदी के लिए मेरे बेटे की बलि चढ़ा रहे हैं। आपको तो मालूम है कितनी परेशानियों से मुझे एक बेटा हुआ था। अब वो भी मौत के मुंह में है। हमारे खानदान का इकलौता वारिस, हमारे खानदान का आखिरी वंश आप ही थे ना, जो जगह जगह जाके उसके लिए मिन्नतें मांगते थे। अब क्या हुआ? सूरज पापा, ये उन्हीं का फोन होगा पापा, उन्हीं लोगों का फोन होगा ये। हेलो हेलो, क्या सोच रहे हो जज साहब, वरुण जिंदा चाहिए या मुर्दा? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए, समझे तुम? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। पहले तुम राका को छोड़ दो। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरोगे? और ये भी तो हो सकता है कि तुमने मेरे पोते को मार दिया हो। नहीं। यकीन नहीं होता? मैंने तेरे पोते को जिंदा रखा है, ये ले बात कर। दादाजी, दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी। वरुण बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। वरुण बेटा, कुछ नहीं होगा दादाजी। किस नंबर से फोन आया था? सर नंबर है 00765004398। सर ये तो बाहर का नंबर लगता है, इंडिया के बाहर का। नहीं अभिजीत, वो वरुण को इंडिया के बाहर ले जा ही नहीं सकता। जरूर वो खांचा वाला सिम कार्ड है, खांचा वाला जो कहीं पर भी मिलता है, बाहर देश का सिम कार्ड। एक बार इस्तेमाल करो, एक बार कॉल करो, फिर फेंक दो। हाँ सर, हो सकता है। वैसे फोन कटने से पहले कुछ आवाजें आई थी सर, एक बार फिर से सुनते हैं इनकी बातचीत, फिर से चलाओ जरा। हेलो हेलो हेलो, मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए, समझे तुम? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। दादाजी, दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी। वरुण बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। वरुण बेटा, कुछ नहीं होगा। सर ये तो शिप के हॉर्न की आवाज है सर, पानी का जहाज है। अभिजीत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये शिप के हॉर्न का ही आवाज है। और साथ में वो सफेद चिड़िया जो होती है समुंदर पे, व्हाइट सीगल्स। सर कुछ और आवाजें आ रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ अभिजीत, जल्दी से जल्दी इस जगह का पता लगना चाहिए। वरुण को वहीं पर किडनैप करके रखा गया है, वहीं पर। साहब, हाँ? कुछ लाओ दूध वगैरह। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाके सो जाओ। जी जी सर। दादाजी। हाँ?
मैं ये पेन आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। जिंदगी का कोई भी अहम फैसला आप है ना इसी से करें। हाँ हाँ बेटा, मैं जिंदगी का हर फैसला किसी पेन से करूँगा। ये लड़का कहाँ गया? सर ये 14वीं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो समंदर के पास है सर। सचिन सुबह के 4:30 बजे हैं और 8 बजे कोर्ट में पेशी है राका की। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कोर्ट जाने के लिए देरी हो जाएगी सर, रास्ते में ट्रैफिक होता है सर। ऊपर वाले पे भरोसा रखो बहू, वो जो भी करता है अच्छे ही करता है। पापा आज तो हमारे लिए आप ही ऊपर वाले हैं, बस आप ही बचा सकते हैं हमारे वरुण को। पापा मैं हाथ जोड़ के अपने बेटे की भीख मांगता हूँ आपसे। आपका जजमेंट आपके पोते को बचा सकता है पापा। बार कह रहा हूं बाबूजी, फैसला सुनाने से पहले जरा सोच लीजिएगा। राका यहां से कोर्ट के लिए निकल गए सर। Thank you.
दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी, दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, दादाजी प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, राका उन खतरनाक मुजरिमों में से एक है जिसने लोगों का खून ऐसे बहाया है जैसे पानी, ना जाने कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ा है और ना जाने कितने मासूम बच्चों को अनाथ किया है। इसके गुनाहों की चिट्ठी इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते शाम हो जाए। ऐसे गुनहगार को सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए और वो है मौत की सजा। दैट्स ऑल मिलोर। जज साहब, अभी अभी मेरे काबिल दोस्त ने जो भी इल्जाम मेरे मुवक्किल पे लगाया है वो इल्जाम कम और किसी फिल्म की स्क्रिप्ट ज्यादा लगती है। ऐसे डायलॉग तो अगर फिल्म का हीरो दे तो थिएटर में सिर्फ तालियां ही तालियां बजती हैं। मगर मैं अपने काबिल दोस्त को ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये कोर्ट है, अदालत भावुक नहीं होती। बिना सिर पैर के इल्जाम लगाने से गुनाह साबित नहीं होते मिलोर्ड। और फिर जो भी गलतियां छोटी मोटी मेरे मुवक्किल ने की हैं उसके लिए मैं अदालत से माफी चाहता हूं और माननीय जज साहब से यह दरख्वास्त करता हूं कि राका को बाइज्जत बरी करके उसे समाज में रहकर सुधरने का एक मौका दिया जाए। जज साहब, मेरे मुवक्किल की सफाई में मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने आपसे कह दिया। आगे आपसे दरख्वास्त करते हुए कि राका को एक और मौका देना चाहिए सुधरने का, इसके साथ मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करता हूं। आपके फैसले का इंतजार है। That's all, Mina. स्टीमर की आवाज है, मतलब यही बिल्डिंग है। वरुण को यहीं रखा गया होगा और अगर वरुण यहां पर है तो साथ में गुंडे भी होंगे। टुंडो संभालते हैं। वरुण कहीं भी नहीं मिला सर। वरुण को यहाँ पे बांध के रखा गया था, हमें आने में देरी हो गई, इसे लेके कहीं और चले गए वो लोग। एसीपी सर को फोन करता हूँ। अदालत के पास कोई राका के खिलाफ ठोस सबूत और गवाह ना होने की वजह से यह अदालत राका को बाइज्जत रिहा करती है। जाना चाहिए कहीं कोई दूसरा रास्ता तो नहीं।
आ गया सर, वो देखो राका। अकेले आ रहा है, इसके साथ में कोई नहीं है। से निकलने ना पाए। हाँ सर। बेवकूफ जज को देख रहा हूं जिसने अपने पोते के प्यार में पड़कर इतने बड़े अपराधी को छोड़ दिया और खुद मौत के मुंह में मरने के लिए चला आया। सर, देखो हमने ईमानदारी से आप लोगों का काम कर दिया है, ये आप लोग गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप लोग। आप लोगों के कहने के मुताबिक हमने राका को छोड़ दिया। आप लोग प्लीज, आप लोग हमारे ईमानदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये तो खिस्ता हुआ भी लगता है। नहीं नरेश अंकल, नहीं। नरेश रुक जाओ, नरेश ये मेरा ऑर्डर है। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर सिर्फ अदालत में होता है, यहां पे नहीं। समझे? हाँ, मैंने किया सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई। अगर जिंदगी में कभी मौका मिला ना तो राका आपका यह एहसान जरूर उतारेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया नरेश, ये तुमने बहुत गलत किया। आप जो कुछ करोगे वो सही, और कोई कुछ करेगा तो गलत। बहुत खूब जज साहब। आपको याद है जज साहब? जीतू, जीतू। हाँ, कौन जीतू? मेरा बहन का बेटा, जिसका आपने खून किया जज साहब। खून? खून? मैंने? बड़ी अदालत में आपने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, वो सलाखों के पीछे घुट घुट कर मर गया जज साहब, और इसी सदमे में मेरी बहन भी चल बसी। जज साहब, उसी दिन मैंने थाम लिया था जज साहब कि आपसे मैं बदला एक दिन जरूर लूंगा मौका मिलते ही, आज ही मौका मिल गया सर। देखो, तुमको बदला लेना है ना? हाँ। तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरे मेरे पोते को छोड़ दो। जज साहब, मजा तो आपके पोते के मरने पर ही है। आपको भी पता चले कि अपनों का मरने का गम क्या होता है। नरेश,
पकड़ लो इन्हें। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू एसीपी। हमारा प्लान काम आ गया। हेलो, जज सर। एसीपी तुम यहाँ पे? हाँ, वरुण के अपहरण के बारे में मैं जानता हूँ। तुम उसके अपहरण के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ, तुमने तो नहीं बताया, लेकिन पहले दिन से मैं सब कुछ जान गया हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ तो देखा, देखा तो नहीं किसी ने? पर देखा तो क्या हुआ, क्या एसीपी जज से मिलने नहीं आ सकता? वो तो हो सकता है, लेकिन किडनैपर्स को अगर पता चल गया कि तुम यहाँ आए थे तो वो वरुण को जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा वरुण को, वरुण की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है मुझे बताओ। देखो, राका का फैसला सुनाने में थोड़ी देरी कर दो। नहीं, राका का फैसला सुनाने में देरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो, हमें वक्त की जरूरत है वरुण को ढूंढने के लिए। प्लीज, अगर तुम्हारे आदमी वरुण को नहीं ढूंढ पाए तो किडनैपर तो वरुण की जान ले लेंगे ना। अगर वरुण नहीं मिला ना, तो छोड़ दो राका को। क्या, राका को छोड़ दूं? हाँ। नहीं, ये कानून के खिलाफ है। ये कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, ये राका हमारे हाथों से नहीं बच सकता। जैसे वो जेल से छूटेगा ना, वो अपने ही लोगों के पास जाएगा और वहीं पर हम उसे पकड़ लेंगे और वहीं पर हमें वरुण भी मिलेगा। भगवान ना करे किसी भी कानून के रखवाले को ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़े। एसीपी, तुमने मुझे मेरी नजर से गिरने से बचा लिया। नहीं सर, पर तुम्हारे इस पीए ने, इस नरेश ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नमक हराम अस्तिन के सांप, जिंदगी भर जेल में सड़ती रहना। ले चलो इन्हें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।